अभी पे कर पूरे 56 पे किया ना। नहीं नहीं ये बोला गया कि 56 पे नहीं, पहले तय करके आओ। ना 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 ना, 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 ना। चलिए वॉकआउट करिए, चलिए बात। चलिए शायद आप कहां बैठे हैं, वॉकआउट कर रहे हैं, वॉकआउट कर दिया उन्होंने। चलिए माननीय उमाशंकर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि इस लोक महत्व के अविलंबित प्रश्न पर आपने मुझे सदन में बात रखने का मौका दिया। सूखा माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आपका नहीं अध्यक्ष जी, मैं आपका मेरा 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 तो हो जाए, आपका नहीं था, आपका नाम नहीं है, कैसे नहीं है, मैंने देखा मेरे सामने हो गया क्या आप लोगों को, सप्लीमेंट्री है, पुराने साथी हैं आपके, आदत ठीक नहीं हो गई है जो जूनियर, अरे तो मेरे बात आप खड़े होकर बोलिएगा, तो साथ देते थे इसी में, ये 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 जो नेता प्रतिपक्ष महोदय आप उनसे बोलिए कमी को आप पूरा कर रहे हैं, अरे मैं तो हूँ आपके साथ, जब 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 उधर से रहेंगे तो फिर मत करिएगा, करते रहिएगा। बाधक बाधक बनने के लिए आदरणीय अध्यक्ष पर्याप्त है, वो पर्याप्त है, तो बीच में बोलने के बोल के करेंगे, आपस में बातचीत नहीं करें, मेरे से बातचीत करें, मैं यहाँ बैठा हूँ। और सबसे बड़ी बात अध्यक्ष ये है कि एक व्यवस्था के साथ साथ कि जब आप अपने विषय पर बोलिए, आपने किसी को बोलने की अनुमति दिया, हो गया, कोई बीच में व्यक्ति खड़ा होता है तो माइक वाले को भी उनका माइक ऑन नहीं करना चाहिए, ये सीनियरिटी देख के नहीं होती है, इसलिए कि जब आपने किसी को अनुमति दिया, अगर कोई बीच में अपने आपको अनुमति, आप बोलिए जी अध्यक्ष जी, अब वो धारा प्रवाह चूंकि अब, अरे आप पर अनुमति है सर, आप बोलिए अध्यक्ष जी, मैं इस काफी महत्वपूर्ण विषय को लेके आया हूँ, प्रदेश में जो अनियमित वर्षा होने से लगभग हमारे किसान जो हैं दो तरह से प्रभावित हुए हैं, इसमें कुछ जनपद ऐसे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी जहाँ बिल्कुल 60% से लेकर 80% तक बारिश नहीं हुई है, जहाँ के किसान सूखे से परेशान हो गए हैं, जिसमें हमारे कुछ जनपद ऐसे हैं, कुछ जनपदों का मैं नाम बता रहा हूँ जहाँ 80-60% तक जो मेरे पास आंकड़े हैं वहाँ बारिश कम हुई है, उसमें अगर हम उधर से लें तो हमीरपुर है, श्रावस्ती है, लखनऊ है, शामली है, हाथरस है, कानपुर देहात है, वाराणसी है, बलिया है, हरदोई है, अमेठी है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, संत कबीर नगर है, झांसी है और कानपुर नगर है, यहाँ पे ये जो मेरे पास आंकड़े हैं यहाँ पे लगभग 60-80% तक क्योंकि बारिश कम आकी गई है, इसी तरह से लगभग जो 40% से कम बारिश जो आकी गई उसमें प्रयागराज है, बाधा है, देवरिया है, पीलीभीत है, कुशीनगर है, चंदौली है, मऊ है, मिर्जापुर है, कौशाम्बी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये मैं ऐसे जनपद बता रहा हूँ जहाँ पे औसत से काफ़ी कम बारिश हुई है, और मैं मान ले रहा हूँ माननीय मंत्री जी, मुझे जो हम सबके अभिभावक है उन्हीं का जवाब आएगा, विद्वान है, इसमें मैं नहीं कह सकता हूँ कि इस अनियमित वर्षा में आपका कोई रोल है, लेकिन हम ये जानते हैं कि इस तरह की हमेशा अनियमित वर्षा का जो प्रकोप है वो हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को हमेशा यह भुगतना पड़ता है, लेकिन हम कभी भी इसकी उस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाते हैं जिससे कि ये समस्याएं जनता को कम हो सके। जैसे उदाहरण के तौर पर बता दूं, क्योंकि हमारे आदरणीय सिंचाई मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, बहुत से ऐसी नहरें हैं जहाँ पे लगभग 2-3 सालों से एक बार भी पानी नहीं छोड़ा गया लगातार। अब एक नहर उदाहरण के तौर पर बताऊं, उधर मऊ से आती है जो हमारे जनपद की कई मंदिरों को जोड़ती है, वहाँ पे अगर अधिकारी से बात किया जाए कि इस नहर में पानी क्यों नहीं आ रहा है तो उनका जवाब आता है कि इधर के कुछ लोग रोक दे रहे हैं, पानी नहीं जाने दे रहे हैं। अब पानी का संचालन अगर कुछ लोग रोक करके अपने अपने खेतों में ले जाएंगे तो फिर उन नहरों को खुदवा करके उन नहरों के किनारे बसे हुए किसानों से उसका रेवेन्यू फिर अब जोड़ें या उनको सूखा के त्रस्ती में झेलें, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं चाहूँगा, चूंकि हमारा सौभाग्य है कि मैंने सिंचाई मंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, इसका जरूर संज्ञान ले।
को साफ कर सकते थे। हम नहीं कर रहे हैं कि अनियमित वर्षा में आपका कोई जोखिम, लेकिन हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके उपाय क्या कर सकते हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, मैं मानता हूं कि विद्युत की डिमांड बहुत बड़ी है, काफी बड़ी है, और इस सूखे के कारण, क्योंकि माननीय ऊर्जा मंत्री जी आप भी अब अपने गांव में अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे जब घरों पे गांव पे जाते होंगे जो भीड़ आ रही है, केवल जो लगातार फोन आ रहे हैं, जो जनता मिल रही है, केवल इस बात के लिए मिल रही है कि हमारा ट्रांसफार्मर जला है 20 दिन हो गया या 25 दिन हो गया, एक महीना हो गया, जिसमें से किसान कुछ उसमें से अपना प्रॉपर ट्यूबवेल का कनेक्शन लिए हैं, लेकिन हम चूंकि इस व्यवस्था को पूरी तरह से संतुलित नहीं कर पाए, जिससे कि हम उन मोटरों को जो जल रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, उनका हम समय से निराकरण कर दें, इससे भी हम उन किसानों की कुछ समस्याओं का समाधान कर सकते थे। दूसरा एक सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, अनियमित वर्षा को हटा दें। माननीय अध्यक्ष जी, ऊर्जा मंत्री जी भी हैं, एक चूंकि सबसे समस्या अपने पूर्वांचल में आ रही है, जो हमारे किसान चाहते हैं, सभी किसान आपके यहाँ मान लीजिए विजिलेंस की टीम छापा भी मार रही है, किसी के एक बल्ब अधिक चल रहे हैं या किसी ने कभी कोई अधिक कनेक्शन जला रहा है उसके यहाँ छापा मार रही है, लेकिन जो किसान हैं वो सब लोग यह चाह रहे हैं कि हम 2 हॉर्स पावर का मोटर लगाते हैं, तो हमें 2 हॉर्स पावर के मोटर लगाने का कनेक्शन सरकार दे दे, उसकी जो बिल आ रही है वो बिल देने को तैयार है, इससे आपकी बहुत बड़ी लाइन लॉस जो है, आपकी बिजली चोरी बहुत रुकेगी। अब वो किसान क्या करते हैं, मुझे कहा जाता है कि वो 5 हॉर्स पावर का लो, जबकि उसको 5 हॉर्स पावर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि उसके खेत एक जगह नहीं है, उसके खेत पार्ट पार्टों में कई जगह है, अब हम लघु सीमांत वाले किसान हैं, कई कई जगहों पे, और वो किसान अपने हर खेत में 2 हॉर्स पावर के मोटर पे कनेक्शन लेने को तैयार है, इससे आप समझ लें कि वह किसान अपनी सिंचाई अगर कर भी रहा है अगर चोरी से, तो वहां अगर आप कनेक्शन दे देंगे, लीगल दे देंगे, तो लीगल कनेक्शन देने से यह फायदा होगा कि वह किसान चोरी नहीं करेगा, बल्कि अपने हर खेत में जो उसका पार्ट पार्ट बना हुआ है वहां पे 2 हॉर्स पावर का कनेक्शन ले लेगा, इसलिए कब छोटा उसका 2 बीघे का पार्ट है वहां पे 5 हॉर्स पावर का 7.5 हॉर्स पावर का मोटर का कनेक्शन लेके क्या करेगा, अगर एक जगह उसके अगर मान लीजिए 20 बीघा 50 बीघा खेती हो तब तो ले सकता है। इसकी हम व्यवस्था माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, अगर माननीय ऊर्जा मंत्री जी, माननीय हमारे सिंचाई मंत्री जी अगर मिल जाए तो माननीय कृषि मंत्री जी की काफी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो मैं चाहता हूं कि संजोग ही अच्छा है, कभी कभी ऐसा अवसर आता है कि आप सभी लोग आज यहां मौजूद हैं, तो इसका जरूर संज्ञान लें, और मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा अध्यक्ष जी, मेरा केवल यह मानना है कि इन सब हम चूंकि फिर अगले साल भी आएंगे, अगले साल भी मानसून सत्र में हम बैठेंगे, और बैठने के बाद फिर इसी समस्या को रोएंगे, क्योंकि आज जो एनवायरमेंट है उसमें हमारा आपका अधिकार नहीं है, लगभग पेड़ पौधे समाप्त हो चुके हैं, आप उसके लिए लगातार मान लीजिए 30 करोड़ 35 करोड़ पौधों को लगाने का लक्ष्य दे रहे हैं, इसके पहले पिछली बार भी गिनीज बुक में रिकॉर्ड आया था, लेकिन उन पौधों की हम ट्रैकिंग नहीं कराए कि हमारे कितने पौधे जीवित हैं, निश्चित रूप से अभी समय आएगा। इस तरह से अगर आप एनवायरमेंट को आप कहेंगे कि हम बढ़ा रहे हैं, अब इसमें हम बारिश को अनियमित होने से रोकेंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा, लेकिन ये दो विभाग अगर इसमें कुछ अपना हाथ बताए, ऊर्जा विभाग और सिंचाई विभाग, तो मुझे लगता है जैसे कोई अगर नहर आप ऐसे प्रदेश की उन नहरों को मंगवाइए जिसमें इस साल एक दिन भी पानी नहीं छोड़ा गया है, उसके कौन अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, इस तरह से जब मैसेज देंगे तब उन किसानों के घाव पे आपका बरहम काम आएगा। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं चाहूंगा, कृषि मंत्री जी हैं, कि अब उन किसानों को जहां बाढ़ से नुकसान हुआ है, कहीं अत्यधिक बारिश हो गई है वहां पे उनकी फसलें बर्बाद हो गई, कहीं पे बिल्कुल बारिश ही नहीं हुई वहां की फसलें बर्बाद हो गई, इसलिए मैं चाहूंगा कि अब उन किसानों को ये जो घाव पे मरहम जो लगाना है उनको एक बढ़िया पैकेज मैं चाहूंगा, चूंकि हम लोगों की दलीय बैठक जब हुई थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात पे गंभीरता से उन्होंने चिंता व्यक्त की थी और स्पष्ट कहा था कि नहीं, ये बहुत जेन्युइन आदरणीय हमारी मोना जी ने उस बात को और मनोज जी मोना जी ने इस बात को रखा था और ये बात आई कि नहीं इसमें गंभीर चर्चा होगी। और मैं आदरणीय अध्यक्ष जी मैं चाहूंगा कि जब कृषि मंत्री जी जब खड़े हों तो बड़ा दिल दिखाते हुए उन किसानों को जिनकी जो क्षति हुई है उसकी एक अच्छी क्षतिपूर्ति, जिससे लगे कि दिल बड़ा है, माननीय मंत्री जी बड़े हैं, माननीय मंत्री जी वरिष्ठ इस तरह की घोषणा करें और एक समन्वय बना लें माननीय सिंचाई मंत्री से और ऊर्जा मंत्री जी से कि कैसे उन किसानों की समस्याओं को हम आगे इस तरह की समस्या का समाधान माने न करना पड़े, इसके लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय जी। इसलिए इस लोक महत्व के अभिनंदनीय प्रश्न पर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सदन की समस्त कार्यवाही रोक करके इस पर चर्चा कराने की कृपा।